Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran Sir from FEI. This class 10th Political Science, chapter number 1, Power Sharing. This is the lecture number 2nd of this chapter. Let's start today's first topic. What have you learned from the stories of Belgium and Sri Lanka? आपको पता ही होगा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी बेल्जियम और श्रीलंका की, किस तरह से दोनों कंट्रीज में अलग अलग सोशल ग्रुप्स रहते थे. जैसे कि बेल्जियम में वहाँ पे अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स रहते थे, जैसे कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, डच स्पीकिंग पीपल और इसके अलावा जर्मन स्पीकिंग पीपल, और श्रीलंका में सिन्हालाज एंड तमिल्स. तो दोनों ही जगहों पे सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुए, लेकिन बेल्जियम ने वहाँ पे एकोमोडेशन की. उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार 1970 से लेकर 1993 तक चेंज किया, अमेंडमेंट की. उसके बाद उन्होंने इस तरह के स्टेप्स लिए जिससे कि वहाँ के आज जितने भी सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह दोनों ग्रुप्स के बीच में थे वो सारे ख़त्म हो गए. लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया. श्रीलंका की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन, उन्होंने अपनी मेजॉरिटेरियनिज्म, अपनी डोमिनेंस जो माइनॉरिटी तमिल्स थे उनके ऊपर दिखाई, जिसकी वजह से वहाँ पे सिविल वार हुआ. तो यहाँ पे आपने देखा कि पावर शेयरिंग कितनी ज़रूरी है. बेल्जियम ने पावर शेयरिंग की, कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हुए, लेकिन श्रीलंका ने नहीं की, सिविल वार हुआ. तो आइए आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, ज़रूरी क्यों है. तो यहाँ पे हम दो रीजन्स आगे रखेंगे. दोनों रीजन से हमें पता चलेगा कि ये पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों होती है. सबसे पहला रीज़न, प्रूडेंशियल रीज़न का मतलब होता है शोइंग केयर या समझदारी वाला स्टेप. इसमें क्या होता है कि इसमें जो गवर्नमेंट्स होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है, वो पावर शेयर करते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में. अगर हम एक परिवार की, एक फैमिली की भी यहाँ पे एग्जांपल ले, अगर एक फैमिली में दो बेटे होंगे, दोनों में से एक बेटे को ज़्यादा पावर्स दिए जाएंगे, ज़्यादा रेस्पेक्ट दी जाएगी, तो दूसरे को लगेगा कि मुझे एलिनेट किया जा रहा है, मेरी रेस्पेक्ट नहीं हो रही है, उसकी वजह से फैमिली में भी दरार पड़ सकती है. इसी तरह से एक कंट्री में भी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, अगर एक या दो सोशल ग्रुप्स को ज़्यादा पावर्स दिए गए, ज़्यादा केयर उनके लिए की गई, तो जो बाकी वाले जो सोशल ग्रुप्स होंगे उनको लगेगा कि हमें एलिनेट किया जा रहा है. जैसा कि श्रीलंका में हुआ, वहाँ पे जो मेजॉरिटेरियनिज्म सिन्हालाज ने दिखाया तमिल्स के ऊपर, तो तमिल्स को लगा हमें एलिनेट किया जा रहा है, तो उसके बाद वो मजबूर हो गए हथियार उठाने के लिए. तो यहाँ पे जिस तरह से ये प्रोडेंशियल रीज़न डेमोक्रेसीज इख्तियार करती है, इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस होते हैं. जो भी कन्फ्लिक्ट्स, अगर यहाँ पे आप देखेंगे, पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. तो ये प्रोडेंशियल रीज़न हुआ. इसके बाद दूसरा मॉरल रीज़न, प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग. यहाँ पे अगर कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सिर्फ नाम से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नाम रखना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उनकी प्रिंसिपल्स, उनकी एक्सरसाइज वगैरह भी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कहा जाता है कि मॉरल रीज़न में जो हम कह सकते हैं पावर शेयरिंग, ये सुपरिट है डेमोक्रेसी का. तो यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उनको पता होना चाहिए कि ये लोगों की गवर्नमेंट है, तो अगर हम लोगों को खुश रखेंगे तब जाके ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डीप हो सकती है, या हम कह सकते हैं मजबूत हो सकती है. वरना अगर हमने उन लोगों को राइट्स नहीं दिए, या हम लेजिटिमेट नहीं रहे, लीगल तरीके से हमने काम नहीं किया, तो लोग समझेंगे कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए सही नहीं है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. तो यहाँ पे दोनों ही जगहों पे हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, ताकि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है वो दूर हो जाए. इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. कहा जाता है कि पावर शेयरिंग का दूसरी मीनिंग है डिवाइडिंग पावर. तो पुराने ज़माने से ही एक मतलब कंसेप्ट था कि पावर सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में होनी चाहिए, या एक ही ऑर्गन के हाथ में होनी चाहिए. अदरवाइज जो डिसीजन है उसमें टाइम लग सकता है लेने में. तो यहाँ पे धीरे धीरे लोगों की समझ में आना शुरू हो गया कि नहीं,
एक ही इंसान के हाथों में अगर पावर्स होंगे तो उनका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, या फिर वो जल्दबाजी में कोई गलत फैसला भी कर सकता है। तो यहाँ पे जरूरी है कि ये पावर्स अलग अलग ऑर्गन्स या अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट को दिए जाए ताकि बैलेंस बना रहे। तो आइए हम पढ़ते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पे अगर हम बात करें मॉडर्न डेमोक्रेसी में बहुत सारी टाइप्स की पावर शेयरिंग होती है। सबसे पहले पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग को हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग भी कहते हैं, क्योंकि तीनों ऑर्गन्स को एक ही लेवल पे रखा जाता है और एक दूसरे को ये उनकी पावर चेक करते हैं, जिससे बैलेंस बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की एग्जाम्पल लें नेशनल लेवल पे, तो लेजिस्लेचर होता है लॉ मेकिंग बॉडी, जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट है। अब उस पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं उन्हें लोग चुनते हैं। उसके बाद होते हैं एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूट करते हैं पॉलिसीज वगैरह को, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है एंड कैबिनेट। कैबिनेट होती है टॉप लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, जैसे कि इस वक्त बीजेपी रूल कर रही है, उनके टॉप लीडर्स एग्जीक्यूटिव में आते हैं। इसके अलावा होती है जुडिशरी, ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री जुडिशरी में आते हैं, और सबसे जो हम कह सकते हैं अपर लेवल का कोर्ट होता है वो यहाँ पे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी में जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस वगैरह को चुनता है। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव का काम होता है जैसे कि प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर को चुनता है, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनता है। इसी तरह से ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, लोग उसके खिलाफ हो गए, तो जुडिशरी उसका फैसला करेगी। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी में किसी से कोई गलती हुई, जैसे कि चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को, तो उसके लिए लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट में वोटिंग होती है। अगर 66% वोट उनके खिलाफ आए तो उनको सजा दी जा सकती है। तो इस तरह से बैलेंस बनता है इससे। दूसरी टाइप की पावर शेयरिंग होती है, पावर्स कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। तो इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं, जिसमें अपर लेवल की एक गवर्नमेंट होती है जो पूरी कंट्री के लिए रूल करती है, जिसको हम सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरी उसके उसके नीचे की लेवल की गवर्नमेंट होती है, जो कि स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है। उसके नीचे की लेवल की और एक गवर्नमेंट होती है, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, एक गवर्नमेंट वो होती है जो पूरी कंट्री पे रूल करती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे कि इस वक्त बीजेपी इस वक्त सेंटर में रूल कर रही है, तो वो सारी कंट्री पे रूल करती है। इसी तरह से 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, तो वहाँ पे अलग अलग 28 गवर्नमेंट्स हैं जिनको हम स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं। इसी तरह से और एक लेवल की गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो इन्होंने और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज किया है अपने आप को। इन्होंने लोकल गवर्नमेंट बनाई है, जिसमें गाँव के लिए रूरल एरियाज़ के लिए पंचायती राज और शहरों के लिए म्यूनसिपैलिटी है। तो इसको फेडरल सिस्टम ऑफ पावर मतलब कहते हैं, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट वो होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के हम के बीच में पावर शेयर होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ कंट्रीज में थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो इसके रिलेटेड हमें एक चैप्टर कम्प्लीटली पढ़ना है फेडरलिज्म पर ही, तो वहाँ पे हम डिटेल में ये पढ़ेंगे। इसके बाद पावर्स आर शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को भी पावर्स दिए जाते हैं। जैसे कि बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, जो कि वहाँ पे एजुकेशन, कल्चर एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू को सॉर्ट आउट करेगी, तो वो एक अच्छी एग्जाम्पल है। इसी तरह से इंडिया में जो रिजर्वेशन दी जाती है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल्स को, जैसे कि इंडिया में जब लोकसभा इलेक्शंस होते हैं तो पूरे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। तो उन आउट ऑफ 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इंडिया में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व रखी गई है शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लिए। उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट के मेम्बर्स ही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो ये इसलिए किया गया है ताकि जो पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग बॉडी जब बनती है, उसमें जो कम्युनिटीज है सोशल ट्राइबल या सोशल कम्युनिटीज के, उनके मेंबर्स भी लॉ मेकिंग बॉडी का हिस्सा बने। इसके अलावा फाइनली पावर शेयरिंग अरेंजमेंट
can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements. Political parties आप सबको पता ही है, चाहे national level हो या state level, उसमें political parties election में participate करती है, और जो party सबसे ज़्यादा मतलब majority of seats हासिल करती है तो वो government बनाती है, लेकिन जो बाकी parties होती है वो opposition का काम करती है. इसके अलावा हमने देखा है कि 1990s के बाद इंडिया में चाहे स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल, तो अलायंसेस के जरिए गवर्नमेंट्स बनती हैं. इसका मतलब बहुत सारी पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं. तो इस तरह से सभी पार्टीज को कुछ ना कुछ पावर या मतलब पावर शेयर वगैरह मिलता ही है. इसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स अगर हम बात करें जैसे कि डॉक्टर्स है, जैसे कि वर्कर्स है, जैसे कि इंजीनियर्स है, जैसे कि फार्मर्स है, इन सब की अपनी अपनी यूनियन होती है, एसोसिएशन होती है. अगर उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ कुछ पॉलिसी अपनाई है, जैसे कि ताज़ा एग्जांपल है जैसे कि कुछ फार्म लॉज बनाए हैं गवर्नमेंट ने, तो उसके खिलाफ जो किसान यूनियंस वगैरह है वो उसके खिलाफ इस वक्त दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो ये एग्जर्ट प्रेशर करते हैं गवर्नमेंट पर ताकि इनकी मर्जी की हम कह सकते हैं कि जो इनकी डिमांड्स वगैरह है वो पूरी की जाए. इसी तरह से मूवमेंट्स, जैसे कि आपने सुना होगा चिपको मूवमेंट, एंटी लिक्वर मूवमेंट वगैरह, ये मूवमेंट्स या नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये मूवमेंट्स तब होते हैं जब सोसाइटी में कुछ इंसानों को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ वो मूवमेंट लॉन्च करते हैं. तो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ वगैरह को वो हम कह सकते हैं इफेक्ट करते हैं उस वक्त, ताकि गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स वगैरह सुने. तो इस तरह के ग्रुप्स को भी कुछ पावर्स दिए जाते हैं. तो ये पावर शेयरिंग इंश्योर करती है कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, जितने भी उनकी डिमांड्स वगैरह है उनको सुना जाए, और जो जेन्युइन डिमांड्स है उनको पूरा भी किया जाए. इसके अलावा इसमें एक छोटी सी स्टोरी है खलील्स डिलेमा. उसमें कहा गया है कि खलील जो कि लेबनान की कैपिटल बैरूत में रहता है, उसका हम कह सकते हैं फादर जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, और उसकी जो मदर है वो एक सुन्नी मुस्लिम है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिलेमा का मतलब होता है कन्फ्यूजन. खलील की कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि वो समझता है कि मैं एक पॉलिटिकली एक्टिव इंसान हूँ, मैं पॉलिटिकल एम्बिशन रखता हूँ, मुझे भी पॉलिटिक्स में कोई अच्छी सी मतलब हम कह सकते हैं पोजीशन वगैरह मिलनी चाहिए. तो वहाँ पे बैरूत या हम कह सकते हैं लेबनान में एक सिविल वार हुआ, वहाँ पे क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बीच में जंग हुई. उसके बाद वहाँ के लीडर्स ने मिलकर फैसला किया कि हम यहाँ पे कुछ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट करेंगे, जिसके तहत वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जिस तरह से बेल्जियम में एक तरफ से एकोमोडेशन की गई. तो लेबनान में क्या किया गया, उन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटी सेक्ट ऑफ कैथोलिक्स है, कैथोलिक क्रिश्चियंस है, उन उस कम्युनिटी में से प्रेसिडेंट होगा लेबनान का. उसके बाद जो सुन्नी मुस्लिम्स है उनमें से प्राइम मिनिस्टर होगा. उसके बाद जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है उनमें से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा, और जो शिया कम्युनिटी है मुसलमानों की उसमें से स्पीकर होगा. तो इस तरह से जो अरेंजमेंट किया गया. लेकिन अब खलील जो है, खलील का फादर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, मदर सुन्नी मुस्लिम है, लेकिन खलील ने इन दोनों में से कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट नहीं किया. तो इसका मतलब खलील सोचता है कि हमारी कंट्री दूसरी डेमोक्रेसीज की तरह क्यों नहीं है. तो अगर वहाँ पे भी दूसरी डेमोक्रेसीज की तरह होता तो खलील भी कोई भी पोजीशन हासिल करता, लेकिन इस वक्त वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग नहीं करता है, तो वो किस पोजीशन पे पहुंचेगा. तो इस तरह से अगर हम देखें, वहाँ पे हमारे लिए एक सवाल भी दिया गया है कि लेबनान में हमें फिर क्या करना चाहिए, क्या वहाँ पे बाकी डेमोक्रेसीज की तरह ही वहाँ पे हमें वो चेंज करनी चाहिए, या जो वहाँ पे चलता आ रहा है वही रहना चाहिए. तो इसका जवाब हम सिंपली दे सकते हैं कि जिस तरह से बेल्जियम में उन्होंने एक तरीका अपनाया जिससे कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट दूर हुए, इसी तरह से लेबनान के लोगों ने भी वहाँ पे जो अरेंजमेंट किया है उससे वहाँ पे सोशल कॉन्फ्लिक्ट दूर हुआ. तो हमें अगर उसमें हमें कुछ चेंज लानी है तो उसमें सारे ग्रुप्स हम कह सकते हैं मुतमईन होने चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि चेंज लाने के साथ ही वहाँ से फिर वहाँ पर फिर से सिविल वार लाइक सिचुएशन आ जाए. तो इंशाल्लाह अगले आने वाले वीडियोज़ में बाकी के चैप्टर्स कवर करेंगे. ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हुआ. स्टे सेफ. फी अमानिल्लाह.